बताइए कितने बजे और कहां आ जाऊं अपने पैसे लेने। और शाम को 6 बजे चेंबूर नाके पे मेरे पैसे लेके आ जाइए, मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। शाम को 6 बजे। भगवान जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे लौटाऊं सतीश भाई के पैसे। अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। Hi. आप सुबह सुबह यहाँ? जून की याद आ रही थी, मिलने आ गया। कैसी हो? अब ठीक है, थोड़ी सी वीकनेस है, मैं उसे बस डॉक्टर के पास ही लेके जा रही हूँ। गॉड, मुझे तो लेट हो रहा है, मुझे जून को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हॉस्पिटल जाना है मुझे। देखा तूने? तू अब भी बोलेगा उनका कोई और प्लान होगा? ब्रो, आपकी तरह मैं भी शॉक में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कामना मासी ऐसा कैसे कर सकती है। I wish पापा भी ये सब देखते हैं। तो क्या कर लेते वो? अगर पंकज जी यहाँ होते तो क्या कर लेते, बोलना। बोलना। पापा आपको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हाँ, बदला लेने की बातें कर रही थी, और आज एकदम फुस। क्यों? वैसे वाह मासी, रितेश का फेवरेट बनने के लिए सुसाइड का अटेम्प्ट? सीरियसली? 100 दोगले मरे होंगे तब जाके आपने जन्म लिया होगा। अपने बाप की तरह मुझे ही गलत समझना। तू
दोनों बाप बेटे मोटी बुद्धि के हो। इतनी सी बात दिमाग में नहीं घुसती है कि इस घर में जो रितेश के साथ है सत्ता उसी के हाथ है। बहुत सैक्रिफाइसेस किए मैंने, बहुत खून के घूंट पिए इस पोजीशन तक आने के लिए, और तू क्या चाहता है हुँ? इस पोजीशन को यूं ही जाने दूं मैं? मतलब ये कि ये सुसाइड का अटेम्प्ट एक नाटक था। रितेश का भरोसा जीतने के लिए छोटा सा ड्रामा किया था मैंने, क्योंकि रितेश को खोने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। वो एक ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुझे अपने पास भी रखना है और अपने कैद में भी। सालों लगे हैं रितेश के साथ ये रिश्ता बनाने में, उसकी कामना दी बनने में। इतनी आसानी से तो ये कामना दी का खिताब मैं नहीं खोने वाली। और वो भाई साहब के मरने के बाद हम लोग यहाँ क्या रितेश का ख्याल रखने के लिए आए थे? ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब हासिल करना मकसद था हमारा। हाँ, मैं रितेश को जेन्युइनली प्यार करती थी, उसको अपना बच्चा मानती थी, लेकिन उसके पैसे से बिना मैं उतना ही प्यार करती थी। इसीलिए तो आज तक उसके करीब कोई लड़की नहीं आने दी, क्योंकि जो कुछ रितेश का है ना, मुझे वो सब कुछ चाहिए था, सब कुछ। लेकिन कल उसने पंकज जी पर हाथ उठाकर उस प्यार को लात मारी है, और अब वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरे पैरों की जूती बनेगा वो। पंकज जी के बाद मेरे लिए तुम दोनों, और तुम दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए मैंने उस कमीने रितेश को ऐसा सबक सिखाना है ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पालतू कुत्ता बना के उसे दरवाजे पे चौकीदारी नहीं कराई ना, तो मेरा नाम कामना मल्होत्रा नहीं। अब तो विलेन नंबर एक निकली मासी। देखा ब्रो, कहा था ना मासी को पहचानना इतना आसान नहीं है। तू बस मेरा साथ दे समीर, फिर देख कैसे हम सबको इस जायदाद का मालिक बनाती हूँ मैं। आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आज से मैं आपका भक्त बन गया हूँ। मेरी लाइफ के सिर्फ तीन टारगेट हैं, रितेश, सून और इंदु। रितेश को तो मैं संभाल लूंगी, इंदु और जून को तुझे संभालना है। ये इंदु पहली ऐसी लड़की है जो रितेश के इतने करीब आई है। इन दोनों माँ बेटी को हमें रितेश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कट करना है। हाय, कैसे हो आप? नमस्ते। वाह, आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो इस ड्रेस में। सोई ठीक से? फेलिंग को नाश्ता किया? क्या खाया है? बनानास। ऐसी क्या खड़ी है, इतनी सवेरे सवेरे आए, इनके लिए चाय नाश्ता लिया? मौज, मेरे पास खातिरदारी करने का वक्त नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा है। कौन? अगर तुमने किसी को भी जाके बोला ना कि रितेश की मम्मी को पंकज जी ने गिराया, We'll be right back.
की कोई बात है ही नहीं। आपको जीनी रितेश पे ट्रस्ट है ना, बस मैं हूं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आइए। आप यहाँ? वो मैं जून से मिलने आई थी। हाय जून पुत्र। मैं जानती हूं कि जून की तरह आप में से कोई भी मुझे यहां देखना नहीं चाहता है, पर ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत हिम्मत करके यहां तक आई हूं। जब रितेश ने मुझे जून की तबीयत के बारे में बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूं कि उस दिन गुस्से में मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। पर मैं क्या करूं, मैं मां नहीं हूं ना, तो मुझे ये सब समझ ही नहीं आता है। पता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं जून को सॉरी नहीं बोल दूंगी। प्लीज, मैं एक बार जून से बात कर सकती हूँ? प्लीज मॉम, मुझे बात नहीं करनी। जून बेटा, वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें आपसे बस बात करनी है। एक बार बात कर लो। सून पुत्र, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डराने बिल्कुल नहीं आई हूं। इनफैक्ट मैं आपको उस दिन के लिए सॉरी बोलने आई हूं। सॉरी। और ये देखो आपके लिए प्रेजेंट। जून बेटा, ये मेरी दी है। और इन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील कर रही हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए, और ये आपको दिल से सॉरी बोलने आई है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इनसे बात करनी है तो आप कर सकते हो, हम सब हैं यहाँ। मुझे इनसे अभी बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, आपका जब मन करे तब बात करना। ओके, कोई बात नहीं, आपको मुझसे अभी बात नहीं करनी ना, आपका जब मन करे आप बात कर लेना। और आपका ये प्रेजेंट मैं इन्हें दे रही हूं, आपका जब मन करे खोल लेना।
थैंक यू सो मच मुझे जूम से बात करने की परमिशन देने के लिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या। मुझे लेट हो रहा है, जूम को लेके हॉस्पिटल जाना। हाँ प्लीज, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं भी चलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते दी। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। सोन की तबीयत का ख्याल रखना तू। कामना मल्होत्रा, इस इंदु और उसकी पिद्दी को झूठ मूठ का सॉरी बोल के रितेश के सामने फुल मार्क्स कमा लिए तूने। इस कीचड़ में अपने पांव गंदे करने का कुछ तो फायदा हुआ। आप कुछ चाय, कावा, कॉफी कुछ? नहीं थैंक यू। बेटा मैं आपके लिए ऑटो बुक कर देती हूँ। ऑटो क्यों, मैं चलता हूँ साथ में। नहीं इट्स ओके। मॉम प्लीज, मुझे जीनियर टेस्ट के साथ हॉस्पिटल जाना है। नहीं जून अभी। हाँ इंदु, ये कह रही है तो चली जाना इनके साथ। अगर बारिश आ गई तो ऑटो भी नहीं मिलेगी और दोनों भीग जाओगे। प्लीज मौज। ठीक है। शायद यही है मेरी इंदु की परफेक्ट फैमिली।